गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण छ विषय हिंदी, प्रकरण सात, बूझो तो जाने, जो पहेलियाँ हैं। तो हम आज पहेलियाँ के बारे में जानेंगे और पहेलियों से क्या होता है। तो मनोरंजन भी जीवन के लिए ज़रूरी है, तो हमें ऐसी चुटकुले पहेलियाँ सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या है कि मनोरंजन होता है। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमारी विचार शक्ति को भी बढ़ाती है। पहेलियाँ का क्या है कि हमारी विचार शक्ति भी वो बढ़ाती है, हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। इन पहेलियों को बुझने समझने में सचमुच मज़ा आता है। कि आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पहेलियाँ देखकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न भी किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती हैं। समस्या क्या है कि प्रश्न एवं स्वरूप के रूप में भी होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती भी हैं, ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो अब पहली पहेली है कि पहेली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। पहेली को पढ़ना है और सही चित्र को आपको जोड़ना है। तो पहली पहेली हम पढ़ेंगे। तो फल देकर सफल हुए हैं, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। क्या है कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली भी फैलाते हैं। फूल फली जड़ छाल बीज दे, क्या क्या देता है वो? फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको खुशी बनाते हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, अपने फूल कलियां जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो वो क्या आएगा? तो वृक्ष, क्या है कि वृक्ष पेड़ है, वो हमें क्या क्या देता है, हमें जीवन में बहुत सारे फल भी देते हैं और लकड़ियां छाल बीज वो भी सब देते हैं, इसलिए वृक्ष आएगा। अब दूसरा है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उंगते पेड़ घने सारे, उंगते पेड़ घने सारे, नदियां झरनों से उद्गम हम, भूतल के है रखवाले। भूतल यानी धरती का ऊपरी भाग जो होता है वो। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हमें आप पत्थरों का जल कह सकते हैं। तो वो क्या है कि पत्थरों का जल, उसको हम पत्थरों का जल भी कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, कहता है कि हमारा मन भी बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, हम पर बहुत से पेड़ भी उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थान हैं, क्या है वह? हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थान, उद्गम स्थान यानी जन्म स्थान, वो उद्गम यानी वो जन्म उसका होता है वो। हम धरती की रक्षा करते हैं, भूतल के हैं रखवाले, भू यानी धरती, तो धरती की भी रक्षा करते हैं। तो वो क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? पर्वत, क्या आता है? तो पर्वत। आगे, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देखी जगत को पानी, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगत जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो उसका अर्थ आता है कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती। वो क्या कहते हैं कि मैं अपना पानी स्वयं यानी खुद नहीं पीती है, मैं खुद प्यासी रहकर, वो भी कहती है कि मैं खुद प्यासी रहकर संसार को अपना पानी देती हूँ। वो खुद प्यासी रहकर संसार को अपना, संसार को पानी देती है और उसकी प्यास बुझाती है। मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं, क्या है कि खेत सींचे जाते हैं, खेत में पानी आता है। मेरे पानी में नाव भी चलती है,
कि वो कहते हैं कि मेरे पानी में नाव भी चलते हैं, मैं अपने मनमाने ढंग से बहती रहती हूँ। वो कहती भी है आगे कि मैं अपने मनमाने ढंग से बहती रहती हूँ। तो क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? नदी। वेरी गुड। तो क्या आता है? तो नदी। अब आगे, तन है मेरा हरा भरा। कहेंगे तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझा कर पूछू हाल। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो मेरा शरीर हरे रंग का है। वो कहता है कि पहली में कि मेरा शरीर कैसा है कि हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ, और हमेशा रस से भरा रहता हूँ, और हमेशा रस से भरा रहता हूँ, गर्मी में पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ। और गर्मी में क्या है कि पहले गर्मी में वो लोगों की प्यास बुझाता है, और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ, फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। तो क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? तरबूज। क्या आएगा? तो तरबूज। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो हम दोनों पक्के मित्र हैं, वो दोनों क्या हैं कि बहुत पक्के मित्र हैं, हम अनोखे काम करते हैं, वो अनोखे काम करते हैं, हमारे प्रत्येक के साथ पांच पांच सेवक है, उसके प्रत्येक के साथ क्या है कि पांच पांच सेवक, सेवक यानी नौकर, उसके सेवक यानी काम करते हैं वो नौकर हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। पर लेकिन क्या है कि वो आपस में कभी बातें नहीं करते। तो उसकी पहली का अर्थ क्या आता है? तो दो हाथ, हमारे दो हाथ हैं वो। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा मेरी कोई बहन नहीं, पर बच्चों का मामा हूँ। तो आपको याद तो आया ही होगा, क्या आएगा? तो वो चांद। पर उसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि मैं कभी पतला हूँ और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी पतला भी हो जाता है और कभी मोटा भी हो जाता है, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा कि पूर्णमासी के रूप में उसका आकार क्या हो जाता है कि पूर्ण गोल हो जाता है, तो गेंद जैसा हमें दिखाई देता है। मेरी कोई बहन नहीं है, उसकी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। उसकी कोई बहन नहीं है फिर भी, उसे क्या है कि हम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसे मामा कहते हैं कि चांदा मामा, चांदा मामा। तो चांद। अब आगे, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, शेर गगन की करती हूँ, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम कहीं हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। वो पहलिया में कहती हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, को मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर भी करती हूँ, और जल्दी उठकर आकाश की सैर भी करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती हूँ। वो क्या कहती हैं कि जरा भी आलस नहीं करती है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। वो उसकी पहली में आगे कहते हैं कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो क्या आएगा उसमें? गौरैया यानी चिटिया, चकली यानी हमें गौरैया कहते हैं, तो गौरैया आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये शब्दार्थ लिख लेना है। पहली यानी समस्या, तन शरीर, हस्त तो हाथ, भूतल पृथ्वी, धरती पृथ्वी की सतह यानी भूतल जमीन। तो आप अपने नोट में ये लिख लेना। तो अगले वीडियो में हम अभ्यास के बारे में जानेंगे, अभ्यास में क्या आएगा वो हम समझाएंगे। आप ये पहेलियाँ एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह और अपने नोट में लिख लेना, सभी पहेलियाँ लिख लेना, उसके सामने सही अर्थ भी लिख लेना क्या आता है। तो ये हमने पहेली पढ़ी कि बच्चे बड़े सवेरे उठती हूँ, तो वो लिख कर उसके बाद में कौन सा जवाब आएगा? तो गौरैया। तो आप इस प्रकार सभी पहेलियाँ लिख कर उसके सामने जवाब भी लिख लेना,
अगले वीडियो में हम अभ्यास से के बारे में जानेंगे। तो अस्तु विद्यार्थी मित्रों।